नमस्ते, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हमारे दिल और किचन दोनों के करीब है, डेयरी प्रोडक्ट्स। हम देखेंगे इनका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, जो कि बहुत लोगों के लिए एक हेल्थ कंसर्न है। ये उन सब के लिए है जो डायबिटीज मैनेज करना और हेल्दी खाना चाहते हैं। दूध से लेकर दही तक डेयरी हमारी रोज की डाइट का हिस्सा है, लेकिन ये डायबिटीज को कैसे अफेक्ट करता है, हम फैक्ट्स जानेंगे और कंफ्यूजन दूर करेंगे। चाहे आपको एक गिलास दूध पसंद हो या एक कटोरी दही, डायबिटीज में डेयरी का रोल समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए नॉलेज के इस सफर पर साथ चलते हैं। हमारा मकसद आपको सही जानकारी देना है, ताकि आप डेयरी के बारे में सही फैसले ले सकें। बने रहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स पोषण से भरपूर होते हैं, जिनमें वो जरूरी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। दूध, पनीर और दही को सुपर हीरो समझो। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे मसल्स और टिश्यूज के लिए जरूरी है। ये हमें विटामिन्स देते हैं, जो छोटे लेकिन ताकतवर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को सही तरीके से चलाते हैं। और कैल्शियम को मत भूलिए, वो मिनरल जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। सोचो, दिन की शुरुआत एक गिलास दूध से, जो आपके शरीर को मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम देता है, एक कटोरी दही जिसके प्रोबायोटिक्स डाइजेशन में मदद करते हैं और पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, और पनीर जिसका प्रोटीन आपको पेट भरा हुआ महसूस कराता है। डेयरी सिर्फ खाना नहीं है, ये हेल्दी लाइफ के लिए पोषण है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। डेयरी डायबिटीज को कैसे असर करता है, इसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि डेयरी नुकसानदेह है। चलिए सच और झूठ को अलग करते हैं। रिसर्च बताती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स असल में डायबिटीज के खिलाफ लड़ाई में मददगार हो सकते हैं। ये डायबिटीज होने के रिस्क को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान नहीं है कि सारी डेयरी अच्छी है। डेयरी का प्रकार मायने रखता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे स्किम्ड मिल्क और बिना मीठा दही ज्यादा फायदेमंद लगते हैं। तो डेयरी डायबिटीज स्टोरी में विलेन नहीं है, लेकिन सही प्रकार चुनना जरूरी है। डायबिटीज की बात करें तो सारी डेयरी एक जैसी नहीं होती। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे होते हैं। स्किम्ड मिल्क कम फैट के साथ दूध की सारी अच्छाई देता है, बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट के। बिना मीठा दही प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन से भरपूर आपके मीठे की क्रेविंग को पूरा करने का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीका है, वो भी बिना आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए। लो फैट डेयरी को एक परफेक्ट बैलेंस समझो। डेयरी का स्वाद और फायदे लेना और साथ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, ये स्मार्ट चॉइस करने के बारे में है जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। याद रखें, मॉडरेशन जरूरी है। लो फैट ऑप्शंस के साथ भी उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के रूप में और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से लेना जरूरी है। आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, डेयरी के सेवन पर एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन को बढ़ावा देती है। यह डेयरी को चुनने और उसका सेवन इस तरह से करने पर जोर देता है जो हमारे व्यक्तिगत प्रकृति के अनुकूल हो और शरीर में संतुलन को बढ़ावा दे। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकृति होती है, जिसे दोष कहा जाता है, और डेयरी का सेवन इस दोष के अनुसार किया जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध को गर्म तासीर का माना जाता है और इसे पौष्टिक माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। दूध को गर्म करके पीने से इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। इसमें हल्दी और इलायची जैसे मसाले मिलाने से इसके पाचक गुण बढ़ सकते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि इलायची पाचन को सुधारती है और दूध के स्वाद को भी बढ़ाती है। आयुर्वेद रोजाना लगभग 150 मिलीलीटर दूध पीने की सलाह देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें कफ दोष प्रमुख होता है, जो भारीपन और सुस्ती जैसे गुणों से जुड़ा होता है। कफ दोष वाले लोगों के लिए दूध का सेवन संतुलित मात्रा में करना महत्वपूर्ण है, ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। कफ दोष वालों के लिए आयुर्वेद दिन में दही खाने की सलाह देता है, जब पाचन अग्नि अपने चरम पर होती है, और रात में डेयरी उत्पादों से परहेज करने की सलाह देता है। दही पाचन को सुधारता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है, लेकिन रात में इसका सेवन करने से पाचन में समस्या हो सकती है। याद रखें, ये सामान्य दिशा निर्देश हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुसार डेयरी का सेवन करें। अपनी विशिष्ट प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त डेयरी विकल्पों का निर्धारण करने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी व्यक्तिगत प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करके आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है, तो आप अपनी डाइट में डेयरी को सेफली और हेल्दी तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं, ये रहे कुछ टिप्स। पहला, सही चुनाव करें। डेयरी प्रोडक्ट्स का चुनाव करते समय हमेशा उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखें। स्किम्ड या लो फैट दूध और बिना मीठे दही और पनीर चुनें। ये प्रोडक्ट्स न केवल कम कैलोरी वाले होते हैं, बल्कि इनमें फैट की मात्रा भी कम होती है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। दूसरा, पोर्शन कंट्रोल। ज्यादा मत खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन सीमित मात्रा में करें, ताकि आप अतिरिक्त कैलोरी और शुगर से बच सकें। रेकमेंडेड सर्विंग्स तक ही रहें। उदाहरण के लिए, एक दिन में एक से दो सर्विंग्स डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना पर्याप्त होता है।
उदाहरण के लिए दूध का सेवन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन तक सीमित रखें, जिसे आप 2 से 3 सर्विंग्स में बांट सकते हैं। तीसरा, समय जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन सही समय पर करें। रात में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बचें, क्योंकि इससे डाइजेशन स्लो हो सकता है। रात में डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से आपके पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको असुविधा हो सकती है। चौथा, लेबल्स ध्यान से पढ़ें। डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते समय उनके लेबल्स को ध्यान से पढ़ें, ताकि आप उनमें छिपी हुई शुगर और अन्य अनावश्यक तत्वों से बच सकें। फ्लेवर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में छिपी हुई शुगर की जांच करें, प्लेन वैरायटी चुनें और अपने खुद के नेचुरल स्वीटनेस जैसे फल या मसाले डालें। फल और मसाले न केवल आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि वे अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करते हैं। पांचवा, अपने डॉक्टर से सलाह लें। हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें, ताकि एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान बनाया जा सके जो आपकी जरूरतों को ध्यान में रखे। एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में सहायक हो सकता है। एक अच्छा मील प्लान आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद कर सकता है और आपको स्वस्थ जीवन जीने में सहायता कर सकता है, जो आपकी जरूरतों को ध्यान में रखे। याद रखें, जानकारी ताकत है। डेयरी के सेवन के बारे में सही चुनाव करके आप इसके फायदे ले सकते हैं और साथ ही अपनी डायबिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आप इसके फायदे ले सकते हैं और साथ ही अपनी डायबिटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि सामान्य गाइडलाइंस मददगार होती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। हर किसी का शरीर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करता है और यही कारण है कि एक ही सलाह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की अनूठी आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुसार निर्णय लें। इसीलिए अपने शरीर की सुनना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति को समझते हैं और आपको सबसे उपयुक्त सलाह दे सकते हैं। ध्यान दें कि आपका शरीर अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोगों को डेयरी से कोई समस्या नहीं होती, जबकि अन्य को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको डेयरी खाने के बाद कोई पाचन संबंधी परेशानी या ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव दिखाई देता है, तो इन बातों पर अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर को डेयरी से समस्या हो रही है। आपका डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयों और लाइफस्टाइल के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड सलाह दे सकता है। वे आपकी पूरी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको सही मार्गदर्शन देंगे। वो आपको सही प्रकार और मात्रा में डेयरी चुनने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से शामिल कर सकें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी सेहत को बिना किसी जोखिम के सुधार सकें। याद रखें, आपकी सेहत एक सफर है, मंजिल नहीं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपने शरीर की जरूरतों को समझते हुए सही चुनाव करने होते हैं। ये उन चुनावों के बारे में है जो आपकी सेहत को सपोर्ट करते हैं। सही खान पान, नियमित व्यायाम और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अपने शरीर की सुनें, उसकी जरूरतों को समझें और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह आप न केवल अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना एक निवेश है, जो आपको लंबे समय तक लाभ देगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सही निर्णय लें। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याद रखें, स्वस्थ रहना एक यात्रा है और इस यात्रा में आपका डॉक्टर आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। जैसे ही हम डेयरी और डायबिटीज की हमारी खोज को समाप्त करते हैं, याद रखें कि ज्ञान सशक्त बनाता है। हमने सीखा है कि डायबिटीज के साथ भी डेयरी प्रोडक्ट्स एक हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। जरूरी बातें ये हैं, लो फैट डेयरी ऑप्शंस चुनें, जैसे स्किम्ड मिल्क और बिना मीठा दही। मॉडरेशन जरूरी है, रेकमेंडेड सर्विंग साइज तक ही रहें। डेयरी प्रोडक्ट्स का चुनाव सोच समझ कर करें। छिपी हुई शुगर के लिए लेबल्स ध्यान से पढ़ें। अपने शरीर की सुनें और पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। सही चुनाव करके और अपने हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर काम करके आप डेयरी की अच्छाई का आनंद ले सकते हैं और साथ ही अपनी डायबिटीज को भी प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। डेयरी और डायबिटीज को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखें, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता है। ज्यादा हेल्थ टिप्स और सलाह के लिए जुड़े रहें। हमारे बढ़ते हुए कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर एक हेल्दी और खुशहाल कल के लिए प्रयास करते हैं।